गेम है मिखाइल ताल की, मिखाइल ताल वाइट पीसेस के साथ और नीगेल जे कैल्टन खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। मिखाइल ताल ने शुरुआत की e4 से, कैल्टन का आया जवाब c5। घोड़ा सेंटर पे आते हुए मिखाइल ताल का, स्पॉन को बचाने के लिए मिखाइल ताल ने अपना घोड़ा निकाला। शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने मोहरों को विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर ये पहले में ही रानी निकाले हैं कैल्टन। आखिर मिखाइल ताल ने अपनी रानी को यहाँ पर क्यों रखा है? शायद वो कुछ यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि मिखाइल ताल अपने इस घोड़े को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी रानी को लेके आए हैं। सीधा हमला ऊंट पर, मिखाइल ताल फिर इसे पीछे खिसकाते हुए। स्पॉन के लिए अभी फिलहाल ही घोड़ा था, लेकिन मिखाइल ताल एक कदम आगे की सोचते हैं। वो हमेशा अपने प्यादों पर दो डिफेंस जरूर रखते हैं। घोड़ा लिया गया तो इसे घोड़े से ही लिया गया। मिखाइल ताल डी फाइल खुलवाएंगे लगता है, लेकिन पहले हमला मिखाइल ताल के घोड़े पर। मिखाइल ताल इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले हैं, वो भी अपने पीसेस को देख कर ही रहेंगे। अपने प्यादे को लेने, मतलब कैल्टन के प्यादे के लिए अपना घोड़ा वो खुद देने को तैयार है। आप देखिए स्थिति क्या है, दोनों घोड़ों में से कोई भी कैल्टन ले सकते हैं। यहाँ पर अब रानी पर खतरा है। क्या मिखाइल ताल वो भी छोड़ देंगे? मिखाइल ताल बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि आ रही है एक चेक। चेक आ रही थी, लेकिन कैल्टन ने इसे लिया नहीं, घोड़े को छोड़ दिया। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर उसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा कि कैल्टन ने इस चेक के बदले इस घोड़े को लिया क्यों नहीं। उम्मीद है आपने सही आंसर गेस करने की कोशिश की होगी। मिखाइल ताल यहाँ पर फांस रहे हैं इस राजा को। अगर मान लीजिए घोड़ा लेते हैं कैल्टन, तो मिखाइल ताल फिर इस घोड़े को लेंगे और उसके बाद आएगी एक चेक, और चेक आने के बाद जब तक राजा हटेगा तब तक मिखाइल ताल इस ऊँट को भी ले लेंगे। और मान लो कहीं राजा से इस प्यादे को लिया गया, तो मिखाइल ताल यहाँ पर अपनी रानी को लेके आएंगे और काफ़ी अच्छा अटैक बनेगा, जो कि सीधा हाथी तक पहुँच जाएगा। इसलिए कैल्टन मिखाइल ताल को जानते हैं, उनके खेलने का अंदाज़ बिल्कुल परिचित हैं वो इस बात से, तो इसलिए उन्होंने अपने राजा को यहाँ पर लिया है। क्या मिखाइल ताल अब इस घोड़े को लेंगे? बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मिखाइल ताल है यहाँ पर, वो यहाँ पर अपने वजीर की स्थिति को और सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि मिखाइल ताल के दिमाग में अभी और भी ख़तरनाक यहाँ पर प्लानिंग है। आप देखिए मिखाइल ताल ने बातों ही बातों में अपनी रानी को ही सिर्फ वहाँ पर नहीं पहुँचाया है, बल्कि अपने हाथी के लिए द्वार भी खोल दिए हैं। सीधा वो राजा की तरफ मुख यहाँ पर है इस हाथी का, और ये चेक आ गया है। चेक से बचाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉन जो होता है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसे लेते नहीं हैं अक्सर खिलाड़ी। कैल्टन कोशिश में है कि कहीं फिफ्थ रैंक में ज़्यादा जो हो सके एक्सचेंज करवा लो, क्योंकि हाथी का जो है रास्ता बंद करना है डी फाइल में। लेकिन मिखाइल ताल इस घोड़े को लेते हैं, वो घोड़े को नहीं ले रहे हैं, असल में वो राजा के करीब जा रहे हैं। और मिखाइल ताल इस ऊँट को नहीं भी ले सकते हैं। हाथियों का लेन देन क्या करेंगे इस बार मिखाइल ताल? अगर इस वजीर को ले लेते हैं ताल, तो ताल के पास दो पीस और उनके प्रतिद्वंदी के पास भी दो पीस ही बचेंगे, लेकिन मिखाइल ताल अभी रानी देने के मूड में नहीं है। चेक, अब जाकर मिखाइल ताल ने यहाँ पर अपने रानी को दिया है। अब देखिए कैसी स्थिति में है अभी कैल्टन, यहाँ पर क्या करेंगे कैल्टन? यहाँ पर उनको ये वजीर लेना ही होगा। वजीर लेने के बाद की स्थिति ये होगी कि फिर घोड़ा आएगा। घोड़ा आने के बाद यहाँ पर मिखाइल ताल के पास देखिए कितने सारे पॉन्स हैं, 1 2 3 और सब जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी दो। सेंटर पर है कैल्टन का एक प्यादा, लेकिन वो कुछ ही देर में मिखाइल ताल उसे अपने इस हाथी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा हमला बनाने वाला है,
और इस घोड़े द्वारा जो कि यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आने वाला है, इस प्यादे को भी ले लेंगे। और फिर मिखाइल ताल की गेम में खास बात यही होती है कि वो एक पॉन के एडवांटेज और या फिर एक प्यादा एक मोहरा कम होते हुए भी गेम को जीत जाते हैं। तो यहाँ पर तो मिखाइल ताल को पूरी प्यादों की सेना मिली हुई है, वो आराम से गेम को यहाँ पर जिता लेंगे प्यार्टन, इसीलिए यहाँ पर रिज़ाइन करते हुए।